हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ खास करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल मेन्यू दिखाई पड़ रही है, होम टैब दिखाई पड़ रहा है, इंसर्ट टैब दिखाई पड़ रहा है, और ये क्या है, ये तो सूरज टैब है यानी मेरा टैब। तो ये मैंने कैसे बनाया, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, चलिए आइए आज आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसे क्लोज कर देता हूँ, फिर अगर हम एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करके यहाँ ओपन कर सकते हैं, या आप स्टार्ट बटन पे भी जाके इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी भी ये यहीं पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये मैंने बनाया कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रह करके रिबन पे रह करके आपको राइट क्लिक करना है, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, देखिए मैंने बना रखा है ये, तो इस पर से अनटिक कर दीजिए आप, ये अनटिक करके और ओके करेंगे तो ये गायब हो जाएगा जो हमने बनाया था। अब आपको अपने नाम से बनाना है, किस नाम से बनाना है वो डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं इंडिया के नाम से बना रहा हूं तो यहां पर रख करके राइट क्लिक कीजिए, ये कस्टमाइज रिबन आ जाएगा। आप यहां पर भी जा सकते हैं, अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते तो यहां फाइल पे जाइए, फिर आपको जाना होगा यहां पर मोर ऑप्शन पे, तो यहां ऑप्शन आपको मिलेगा, यहां ऑप्शन पे जाएंगे तो ये टैब खुल जाएगा। और अभी हमें कहां जाना है, कस्टमाइज रिबन पे, तो ये कस्टमाइज रिबन पे आ जाइएगा। और अब हमें क्या करना है, यहां से न्यू टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये न्यू टैब पे क्लिक किया और ये यहां पे देख सकते हैं कस्टम अपने आप ये बन जाएगा, और इसको आप रीनेम कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस पर टिक किया है मैंने, अब इसको मैं रीनेम कर लेता हूं। ठीक है, बाकी सबको हटाता हूं, इसको रीनेम करता हूं यहां से, तो इसे मैं रीनेम करता हूं इंडिया। ठीक है, इंडिया ये लिख दिया मैंने इंडिया। ओके, और इंडिया नाम से ये टैब मैं बना दूंगा, ये देखिए ये किया मैंने और यहां से ओके प्रेस कर दिया, तो अब दिखाई पड़ेगा आपको यहाँ न्यू टैब, लेकिन इंडिया नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिया कैसे दिखाई पड़ेगा वो भी बताता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, वापिस से कस्टमाइज पे चलते हैं, और यहाँ पे ये इंडिया बनाया हमने, लेकिन इस पर टिक नहीं किया हमने, ये न्यू टैब से टिक हटा दीजिए, यहाँ पे इंडिया पे टिक कर दीजिए आप, और बाकी सारे टैब पे टिक रखिए जो आपको चाहिए, और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे इंडिया नाम का टैब दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं, और इसका काम क्या है यहाँ पर वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये इजिली बना सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।